अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद नून में आप सभी का आखिर मकदम है। मुस्लिम माशरा मुख्तलिफ मसाइल से जूझता नजर आ रहा है। एक तरफ दुश्मन इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ तक हाल ही में जो ट्रेन हादसा हुआ उसको भी मुसलमानों की तरफ मोड़ने की घिनौनी कोशिश और साजिश फिरका परस्त ज़हनियत के तंजीमें इदारे करते हुए देखा गया। फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुसलमानों को लेकर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। वैसे मुस्लिम माशरा मुस्लिम जमातें इदारे मसलकों ने अंदरूनी इज्तमाइत को मजबूत करने की बजाय एक दूसरे को गलत साबित करने में ही अपना ज़्यादा वक्त गुजारा। खैर, अब पूरे मुल्क में मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिशों मंसूबों को पुरजोर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अब और नई फिल्में गोदरा और 72 हुर यानी मुसलमानों के अकायद को ही निशाना बनाते हुए जज्बात को मजरू करने की कोशिश अरसे दराज से जारी है और अब वो और भी तेज़ हो चुकी है। पहले जब टीवी मोबाइल नहीं थे तो मुसलमानों को फिल्मों में नेगेटिव किरदार के तौर पर पेश किया जाता था। पठानी लिबास, माथे पर नमाज का निशान वगैरह दिखाया जाता रहा। ईद के दूसरे दिन फिल्में देखना तो शायद मुसलमानों का पसंदीदा मशगला रहा करता था और तकरीबन घर खानदान इसमें मुलविस हुआ करते थे। वही दूसरी तरफ मसलकों के खुराफात में भी माशरा दस्ता रहा। मुफलिसी गरीबी तकरीबन मोहल्लों में नजर आती थी। खैर, आज फिर से मुस्लिम माशरे की तबाही पर बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुस्लिम समाज रोजाना अपने मसाइल में इस तरह धंसता जा रहा है जिस पर समाज का कोई भी तबका तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। बहस मुबासे होते हैं। हमारा मामला ऐसा हुआ है जैसे हम छोटी सी कामयाबी को भी बड़ा समझ लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर सबसे ज्यादा खुश मुसलमान ही होता दिखाई दे रहा है, पर क्या हुकूमत बदलने से मुसलमानों के मसाइल खत्म हो रहे हैं? इससे पहले भी तो कांग्रेस की ही हुकूमत रही। फिर बजाय मुस्लिम समाज की तरक्की के समाज तनजुली की तरफ क्यों बढ़ रहा है? अगर सियासी, समाजी, माशी और सबसे बड़ा मसला घरों के अख्तलाफात का बढ़ता दायरा मुस्लिम समाज को ही तबाही की ओर ले जा रहा है, ऐसा करना गलत न होगा। पिछले कुछ महीने से मामले और भी संगीन होते जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों का गैरों के साथ भागना जहां बड़ा मसला समझा जा रहा था, उससे भी बड़ा मसला है कि शादी के बाद तलाक खुला की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। क्या वाकई मुस्लिम समाज दिशाहीन होकर भटक रहा है? और ये मसला जितना गरीब घरों में देखा जा रहा है उतना ही अमीरों के घरों में। वैसे तो मुस्लिम समाज अब गरीब नहीं रहा, ये अलग बात है, लेकिन कहते हैं गरीबों की इज्जत बहुत जल्द उछाली जाती है। अब मुस्लिम समाज पहले की तरह गरीब नहीं रहा। कहाँ इसकी शादी संगीत से लेकर तमाम गैर जरूरी रस्मों को डीजे के साथ अंजाम दे रहा है। अब तो मोहल्ले के जिम्मेदारों को तक बोलने की तक हिम्मत नहीं रही कि डीजे लगाओगे तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मतलब हम इसी नजासत में रहने के आदि होते जा रहे हैं। इस मौजू पर बोलने के पीछे महज इतनी वजह है कि अगर इस तरह मुसलमानों का हर घर फहश हुरियानियत तलाक खुला के जद में आता रहेगा तो फिर दुश्मनों से कैसे लड़ पाएगा? इसके घर के मसाइल ही इतने हैं उसे खबर ही नहीं कि हक और बातिल की लड़ाई क्या है। हलाल हराम, सही गलत का फर्क करने का वक्त ही नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ मसाइल में माशरा पूरी तरह से मुलविस हो चुका है। अजवाज जिंदगी यानी मियां बीवी के शादीशुदा जिंदगी को लेकर दुनिया की बेहतरीन तालीमात मुसलमानों को हमारे आका ने दी थी, लेकिन इस दौर का मुसलमान गलत रस्म रिवाज अपनी नफसानी ख्वाहिशात फहश हुरियानियत में डूब कर तहजीब ही को दागदार करने लगा। लिहाजा आज नतीजे इस कदर बरामद हो रहे हैं जिससे शर्मसार होने वाली हरकतें पेश आ रही है। बेलगाम शहर के एक मारूफ वकील ने कहा कि मुसलमानों के बढ़ते तलाक खुले के मसलों की वजह से फैमिली कोर्ट पहले एक हुआ करता था, अब 2 अदालतों को कायम किया गया। ऐसे ऐसे घर मुतासिर हो रहे हैं जिसके बारे में सोचते हुए भी ताज्जुब लग रहा है। कौन कितना जिम्मेदार है, किसकी गलती है, अलग बहस हो सकती है, पर माशरा इंतहा की पस्ती में धस्ता जा रहा है। शादीशुदा खवातीन तक गलत कामों में मुलविस होने के इत्तलात रोजाना मौसूल हो रहे हैं। आखिर किस दिशा में समाज जा रहा है? अफसोस इस बात का है कि जिस मुस्लिम समाज की तालीम, तरबियत, तहजीब, उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि तिजारत करने के तरीके ने ही तो दुनिया भर में इस्लाम को फैला था। बेलगाम शहर के कुछ मोहल्ले जिनका नाम लेना अब मुनासिब नहीं समझूंगा, सुनकर ताज्जुब होने लगता है। आखिर इन सुलगते मसाइल का हल कैसे निकालेंगे? क्यों मस्जिदों से बातें अब भी नहीं हुआ करती? आखिर किस तबाही का इंतजार दीनी इदारे तंजीमें कर रहे हैं? खुलकर बजरंग दल, आरएसएस या हिंदुत्व पर मस्जिदों से बोल नहीं सकते, लेकिन मुस्लिम लड़के लड़कियां शादीशुदा जिंदगियां कामयाब क्यों नहीं हो रहे?
क्यों नहीं निभा पा रहे? आखिर क्या बात है कि पाकीज़ा रिश्ते तक दागदार होते जा रहे हैं? आखिर यहूदी मुशरिकों की तहजीब हमारे घरों तक कैसे पहुंच रही है? इन रास्तों को कैसे रोका जा सकता है? आज भी जिस तरह से हम इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, यह खामोशी ही तुम्हारी तबाही की वजह बनने वाली है। स्कूल जाने वाली लड़कियों से लेकर 50 साल के खवातीन तक बाजारों में सैर सपाटा और एंजॉय करने के मूड में नजर आ रहे हैं। घरों में होटलों का खाना मंगवाने के आदि मुस्लिम खवातीन होती जा रही हैं। अल्लाह ने जितना दिया है उसमें खुश रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय घरों की चौखट लांग कर खुद ही ज्यादा कमा कर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का नशा देखने को मिल रहा है। शौहर की कमाई कम है तो जमातों में या सरे महफिल में उसे जलील कर खुद अपने पांव पर खड़े होने की तहजीब परवान चढ़ रही है, और इसी ऐश परस्ती, खुद मुख्तारी, नौकरी, जॉब का जो माहौल बनता जा रहा है, इसमें कई खानदान, घर, मर्द औरत की जिंदगियां तबाह हो रही। जब कुछ औरतें कमाने लगती हैं तो फिर जुबान दराजी भी होने लगती है। ऐसा नहीं कि एक तरफा मर्द या औरतें जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरह से अजवाज़े ज़िंदगी के तबाह होते मामले पेश आ रहे हैं और तकरीबन माशरा इसी मसाइल से जूझता नजर आए, तो इस कौम के पास आने वाली नस्ल को देने के लिए क्या हो सकता है? यह माशरा खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, कैसे दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला कर पाएगा? इसके घर के ही मसाइल हल नहीं हो पा रहे। बेटी को विदा करके अभी बाप के आंख के आंसू सूखे भी नहीं रहते। बेटी घर वापस लौट आती है बाप को खून के आंसू रुलाने के लिए। कहाँ है वो सब्र तहम्मुल का दामन थामने वाली बेटियां, वो बेटियां जिन पर आसमान से फरिश्ते तक रश्क किया करते थे? कहाँ है वो बेटे जो हमेशा अल्लाह के राह में अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए हमेशा घोड़े की पीठ पर तैयार रहा करते थे? आज गांजा के नशे में मुलव्वी समाज क्या इनकलाबात और तब्दीलियां ला सकता है? बेटियों की आज़ाद ख्याली और बेटों को नशे के अंधेरे में यूं भटकता देखने के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है आज के इस माशरे से जुल्म का खात्मा करने वाला कोई खालिद बिन वलीद भी समाज में पैदा हो सकता है? उम्र रसीदा औरतें भी जब बाजारों में घूमने के आदि होने लगे तो इस माशरे की तबाही नज़दीक होने का इशारा कह सकते हैं? ये तमाम बातें मुझे रोजाना आने वाले फ़ोन कॉल्स और ख़बरों के हासिल होने के बाद बना रहा हूँ। जब माशरा हर तरफ से तबाही के तूफान में रोजाना दस्ता जा रहा है, तो क्या दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा, जमातों के जिम्मेदार, मोहल्ले की जमात, यंग कमेटी, इदारों की जिम्मेदारी नहीं है? तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल इदारे, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन कोई मौकूफ इनके पास नहीं है। खुद जहनी बीमार बन रहे हैं। मर्द की अपनी जिम्मेदारियां हैं तो घर की खातून की अपनी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरह का बैलेंस इस समाज में बरकरार रखा है। अगर कुदरत के निजाम में इंसान दखल देने लगेगा तो फिर इसका खामियाजा भी इसी समाज को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे हज, उमरा, नमाज, ज़कात, खैरात जितना भी कर लो, अगर हम एक दूसरे को समझ कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें दीन के दायरे में रहते हुए, तो ही माशरा बच सकता है, वरना इस माशरे का तबाह होना यकीनी है। क्योंकि जब समाज, माशरा बेहयाई, हुरियानियत के तूफान से घिरने लगता है और उसे एहसास भी नहीं रहता कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो इसको कोई भी नहीं बचा सकता। बात कड़वी है पर सच है। भले ही आप इस दौर के आईएएस, आईपीएस, ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी या कोई और बन जाए, लेकिन खौफ खुदा और नबी की सुन्नत से मोहब्बत को पैवस्त कर सच्चा मुसलमान बनने की कोशिश नहीं कर सकता। भले ही बज़ाहिर कितनी तरक्की कर लो, तुम्हारी तबाही को रोक नहीं सकते। जैसे आज मुसलमानों के पास रुपया, दौलत, महंगी कारें, बंगले सब है, अगर अक्सर का जायजा लिया जाए तो, लेकिन हमने तो दीन को रस्म बनाया। नमाज, हज, रोजा, कुर्बानी कर तो रहे हैं पर रूहानियत नहीं रही। आज मुशरिक तुम्हें सफे हस्ती से मिटाने की बातें और कोशिशें कर रहा है तो उसे मालूम है कि ये खुद अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकता, मैदान में क्या खड़ा हो पाएगा? और यही सच्चाई है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। कुछ मुकामी खबरें। आज भाजपा की जानिब से कांग्रेस गारंटी आवाम को पहुंचाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज किया गया। इस वक्त कसीर तादाद में भाजपा कारकुनान शरीक रहे। मच्छे में जिजामाता सर्कल में रात को संगोली रायन्ना की मूर्ति बिठाई गई। आखिर रात में चोरी छिपे मूर्ति को बिठाने की क्या वजह?
संगोली रायना मुजाहिद आज़ादी हैं और इनकी मूर्ति को कहीं पर भी बिठाया जा सकता है, पर रात में बिठाया गया, इस पर शहर में चर्चा जारी है। अमन नगर में आई ट्रेवल्स की इफ्तिताह एमएलए आसिफ सेठ और साबिक एमएलए फिरोज सेठ के हाथों अमल में आई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।